एम सी क्यू नंबर टू नाइनटीन मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रैनुलोमा के साथ सप्रेशन कराता है दैट इज़ नोकार्डिया कार्डिया एम सी क्यू नंबर टू ट्वेंटी मैनिजॉइटस अगर ट्वेंटी ईयर ओल्ड के अंदर हो रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होगा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एल्डरली पेशेंट्स के अंदर भी नमूनिया कराता है और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का जो टॉक्सिन होता है वो स्टेप्टोलाइजिन होता है और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है वो इसका ब्राउन रस्टी स्पूटम होता है और uh, स्किन एक्टमी वाले पेशेंट्स के अंदर हम नीमोकोकल वैक्सीन देते हैं पोस्ट स्पिन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया की वजह से होती हैं 221 में स्टूडोमनाज का बताया हुआ है स्टूडोमिनाज फ्लोरिकीन से रेजिस्टेंट होता है इसका ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है फ्लोरिसेंट पिगमेंट होता है और ये एंटीबायोटिक से रजिस्टेंट होता है तो पायोवर्डिन और पायोसाइनिन की वजह से स्टूडोमनाज एलिजिनोजा का ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है इसके फ्लोरिसेंट पार्टिकल्स होते हैं ये डिसइनफेक्टेंट से भी रेजिस्टेंट होता है और एंटीबायोटिक से भी रजिस्टेंट होता है नीडल ट्रैक साइन या जो नीडल ट्रैक मार्क्स होते हैं वो सूडोमनाज एरिजिनोजा के अंदर हमें मिलते हैं सडोमनाज एरिजिनोजा का नीडल ट्रैक साइन होता है या नीडल ट्रैक मार्क्स हमें नज़र आएँगे कल्चर करते हैं हम सुडोमनाज एरिजिनोजा का 223 में दिया हुआ एक पेशेंट है उसको मसल वीकनेस डेवलप हो गई एक मदर अपने बच्चे को लेके है फोर मंथ्स का बेबी था और उसको मसल वीकनेस डेवलप हो गई है वो अपना हेड भी नहीं होल्ड कर पा रहा है और फेलर टू तो थ्राइव हो गया और उसने जो है वो वो मिल्क के अंदर हनी मिला के उसको दिया था तो क्लास्टिडियम बॉटलिन बॉटलिनम जो होता है ना वो हनी के अंदर होता है और हनी की वजह से उसको प्लैसिड पेरालसिसिस डेवलप हो गई है टॉक्सिक सिंड्रोम टॉक्सिन का जो जीन होता है ना वो टेन टू फिफ्टीन परसेंट हमारे स्टाफ ऑरियस से मिलता है टू ट्वेंटी फाइव में दिया हुआ एक तीन साल का बच्चा था उसको मैंनेजॉयट डेवलप हो गया ग्राम नेगेटिव negative... कोकोबैसिलस है जो ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है आपने ये देखना है कि बैक्टीरिया की टाइप कौन सी बताई हुई है तो जो ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है 226 में दिया हुआ है कि एक पेशेंट था उसकी एक्सीडेंट हुआ स्प्लीनि आपने कर दी दो महीने के बाद एमरजेंसी के अंदर आया उसको सेप्टिक शॉक और फीवर डिवेलप हो गया तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा स्प्रीन एक्टिमी वाले पेशेंट्स के अंदर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से उसको स्प्रीनिक शॉक सॉरी सेप्टिक शॉक या फीवर डिवेलप हो गया तो ये स्टेप्टोकोकस नमूनिया होगा टू ट्वेंटी सेवन में दिया हुआ एक पेशेंट था वो आ, ग्रास के ऊपर वॉक कर रहा था और अचानक से उसके पाओ में जो वो एक थॉर्न प्रिक हुआ है और उसके बाद वहाँ पे वो पेन उसको डिवेलप हो गया वहाँ पे स्वेलिंग डिवेलप हो गई है और आ, तो ये क्या होगा एप्सिस बन जाती है तो स्टाफ ऑरियस की वजह से जो एक्सीडेंटली थॉर्न पिक से जो फूट के ऊपर आपकी पेनफुल या स्वॉलन एरिया हो जाता है दैट इज़ ड्यू टू स्टाफ ऑरियस टू में दिया हुआ पे एक पेशेंट है उसको स्वेयर डायरिया हुआ है और वो रूरल एरिया के अंदर रहता है इतना ज़्यादा डायरिया है कि इसके फिफ्टीन से सिक्सटीन अपिसोड्स पड़ रही हैं कि फिफ्टीन से सिक्सटीन टाइम्स वो स्टूल पास कर रहा है जो वॉल्यूमिनस डायरिया यह राइस वाटर स्टूल की तरह का डायरिया जो होता है वो विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है और ये क्लोराइडाइन के सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है गट के अंदर टी एस के ऊपर इसकी येलो कॉलोनीज़ होती हैं और इसकी शूटिंग स्टार मोटिलिटी होती है या फिर डार्टिंग मोटिलिटी होती है टू ट्वेंटी नाइन पर दिया हुआ है सिस्टोस्कोप और एंडोस्कोप की स्टेलाइजेशन के लिए हम टिंडिलाइजेशन करते हैं अगर आपने सिस्टोस्कोप को या एंडोस्कोप को स्टेरेलाइज करना होगा तो हम टिंडिलाइजेशन करते हैं अब एक वामन थी वो टैम्पोन यूज़ करती है और उसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन डिवेलप हो गया है तो जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जो होता है उसके अंदर अब क्या होती है स्किन की डिस्कॉर्मेशन हो जाती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर स्किन की डिस्कॉमेशन हो जाती है स्किन उतरना स्टार्ट हो जाती है स्किन की हो जाती है जो कि मोस्ट इम्पॉटेंट फीचर है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दि, 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 स्किन की डिस्कॉमेशन प्राइमरी सिफलिस का जो आप बेस्ट स्पेमन लोगे ना वो उसके जेनेटल सोर्स से लोगे या जो प्राइमरी जेनेटल सोर या फिर जो पीस के ऊपर उसका पेनलेस अल्सर बनता है या जेनेटल सोर बनता है वो हम वहाँ से स्पेसिम लेते हैं क्योंकि जो प्राइमरी सिफलिस होती है वो आपके जो है वो जेनेटल्स को ही इन्फेक्ट करती है और वहाँ पर पेनलेस अल्सर बनाती है ब्रूडिज एप्स हमें पायोजेनिक ऑस्टोमलाइटिस के अंदर मिलती है ब्रूडीज एप्स जो है पायोजेनिक पाइजेनिकाइटिस के अंदर मिलती है टू थर्टी थ्री थ्री टू थर्टी थ्री में दिया हुआ है कि एक पेशेंट था उसका आपने सीटी स्कैन कराया ब्रेन का तो आपको सिस्ट नजर आ रही है और सिस्ट के साथ सिस्ट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल डॉटर सिस्ट भी हैं तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा टीनिया सोलियम टीनिया सोलियम यहाँ पे दिया हुआ है वै। वैसे तो इकाइनोकोकस ग्रैंडलोस जो होता है ना वो डॉटर सिस्ट विद डॉटर सिस्ट बनाता है लेकिन इकाइनोकोकस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम टीनिया सोलियम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो भी न्यूरो न्यूरो सिस्टी सरकोसिस कराता है ठीक है तो वैसे तो गायनाकोकस है जो जिसमें हमें आ, सिस्ट विद डॉटर सिस्ट मिलती हैं लेकिन अगर गायनाकोकस का को ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम टीनिया सोलियम का सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस कराता है बॉयल ऑफ नोज था नोज़ के अंदर अगर आपका बॉयल बन गया तो जो ऑर्गनीजम इन्वॉल्व होता है दैट तो इज स्टैफ ऑरियस ठीक है अगर नोज के अंदर बॉयल बन गया तो स्टाफ ऑरियस इन्वॉल्व होगा स्टेरलाइजेशन जो हम करते हैं इथाइल ग्लाइकोल से इसके लिए टू टू फोर आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं इथालीन ग्लाइकोल से जब हटेलाइजेशन करते हैं तो उससे टू टू फोर आवर्स लगते हैं स्टेलाइजेशन में ठीक है इथाइल ग्लाइकोल के लिए टू टू फोर आवर्स चाहिए होते हैं फॉर स्टेरलैजेशन टू थर्टी सिक्स में दिया हुआ है कि एक सिक्सटी सेवन ओल्ड वमेन थी उसको कंजेनेटल जो है वो बाइक उसका एयोटिक वाल था एडमिट हुई हॉस्पिटल के अंदर और दो दिन की हिस्ट्री है कि उसको बुखार हो गया और चिल्स हो रहे हैं करंट मेडिकेशन जो ले रही है वो लाइजीन प्रिल ले रही है टेम्परेचर उसका थर्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड है पल्स भी उसकी ज़्यादा हुई है टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है रिस्पायरेटरी रेट उसका ट्वेंटी है ब्लड प्रेशर उसका ठीक है एग्जामिनेशन के ऊपर हमें ग्रेड थ्री सिस्टोलिक मर्म मिल रहा है जो कि हमें राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में मिल रहा है ब्लड कल्चर के ऊपर हमें वेरिडेंस टेप्टो नजर आ रहा है जो कि ससेप्टेबल है पेंसिलींस के ठीक है विरेडन स्टेप्टोक है addition, जो कि ससेप्टेबल है पेंसिलिन से एंड इन एडिशन जो पेंसिलीस एंड एंटीबायोटिक्स ए टू पेंसिलीन इज एडमिनिस्टर्ड दैट मे हेल्प शॉर्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस पेशेंट ड्रग ट्रीटमेंट ठीक है ऐसी आपने एंटीबायोटिक बतानी है जो कि हम पेंसिलीन के साथ एड ऑन करेंगे जो उसके ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को शॉर्ट कर देगी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने बताना है क्या होता है कि वो थर्टी ईयर राइबोसोबल सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाती है जब भी कोई ऐसा पेशेंट आएगा जिसको इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है आपने उसको स्टेप्टोको उस विरिडेंस की इन्फेक्शन है हम पेंसिलीन के साथ जो है जेंटामाइसिन देते हैं और जेंटामाइसिन

होमोसेक्चुअल मेल के अंदर कॉमन होता है एंटीबायोटिक्स जो हम बैक्टीरियोइड्स के लिए देते हैं डैट इज़ क्लिंडामाइसिन क्लिंडामाइसिन हम uh, बैक्टीरियोइड्स के लिए देते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है दैट इज माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा की कोई सेल वॉल नहीं होती है सेप्सिस की डायग्नोसिस के लिए पॉजिटिव कल्चर होना जरूरी है सेप्सिस की डायग्नोसिस हम करते हैं जब हमारा कल्चर पॉजिटिव आ जाता है स्टैफ ऑरियस की विरोलेंस जो होती है उसकी कागलेस पॉजिटिव से आती है क्योंकि जो स्टैफ़ ऑरियस बैक्टीरिया होता है ना ये कैटलेस पॉजिटिव भी होता है और कागलेस पॉजिटिव भी होता है तो इसकी विरोलेंस होती है वो हम यह करते हैं कागलेस पॉजिटिविटी से टू में दिया है कि एक पेशेंट था उसने रेस्टोरेंट से खाना खाया और रात के मिड में उसको पेट में दर्द शुरू हो गया वामिटिंग हो गई और डायरिया स्टार्ट हो गया तो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होगा दैट इज टाइफ ऑरियस अगर कोई रेस्टोरेंट से खाना खाता है उसको मड में ही डायरिया वामिटिंग और पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है अब डॉमल ग्राम स्टार हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसको और इसकी इंफेक्शन हो गई है वेल्स डिजीज जो होती है वो वो लेप्टोस्पायरो की वजह से होती जो होती है वो है है लेप्टोस्पायरोसिस जो वेल्स डिजीज़ कराती जो होता है ना इसका जो एडियलॉजिकल एजेंट होता है बैक्टीरियल इंक्लूजन इन कंजेक्टिटस के लिए बैक्टीरियल इंक्लूजन कंजेक्टिटस या फिर जो आपका ट्रेकोमा होता है ना ठीक है उसके अंदर जो है वो क्लाइमेडिया इन्वॉल्व होता है जो होता है वो ट्रेकोमा कराता है बैक्टीरियल इंक्लूजन कंजेक्टिवाइटिस कराता है जिसकी ए बी सी सीरोटाइप्स होती हैं इस लेके सी तक सीरोप जो हैं वो ट्रेकोमा या फिर बैक्टीरियल इंक्लूजन कंजेक्टिवाइटिस कराती हैं गैस कैंग्रीन लिम्स के अंदर डेवलप हो गया है तो एक क्लास्ट्रियम वेल इन्वॉल्व होगा रैड बाइट फीवर करा रहा है जो इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है तो डट इज स्टेप्टोबेसिलस मोलिफामिस ठीक है स्टेप्टोबैसलिस मोलिनीफामिस जो होता है वो रैड बाइट की वजह से फीवर कराता है जो लैक्टोफेरिन होती है इसका फंक्शन होता है कि आयरन की यूटिलाइजेशन नहीं होने देती है बैक्टेरिया से जो लैक्टोफेरिन होती है ना इसकी वजह से क्या होता है कि जो आयरन होता है वो बैक्टीरिया यूटिलाइज नहीं करते हैं और जो लैक्टोपरॉक्सीडेज होती है वो इनहिबिट करती है बैक्टीरियल इंजाइम्स को ठीक है लैक्टोपरॉक्सीडेज बैक्टीरियल इंजाइम्स को इनहिबिट करती है और जो लैक्टोफेरिन होती है वो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया को आयरन यूटिलाइज नहीं करने देती है आयरन यूटिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है कि बैक्टीरिया जो आयरन को यूज़ करे और जो इनहिबिट करती है बैक्टीरियल इंजाइम्स को दैट इज़ लेक्टोपरॉक्सीडेज एक्टोपरऑक्सीडेज एक इंजाइम है जो कि बैक्टीरियल इंजाइम्स को इनहिबिट करेगी 248 में दिया हुआ एक डायबेटिक पेशेंट था उसका ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है तो हमने पहले भी पढ़ा था सूडोमनाज एरिजिनोजा का ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है ठीक है इसका ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है और ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है ना वो भी uh, सूडोमनाज एरिजिनोजा का होता है ठीक है और साथ ही है ये फ्लोरिसन पिगमेंट देता है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है और सेक्शुअली एक्टिव फीमेल थी उसको डिस है फीवर है तो ऑर्गनीजम इन्वॉल्व होगा दट इज सेफ्लोकस सैप्रोफाइटिकस जो कि कॉगलिस नेगेटिव होता है कैटेज पॉजिटिव होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है उसके बाद फ्यूमिगेशन जो होती है ना वो हम इन्फ्लुएंजा के लिए करते हैं एच वन के लिए अब एक लेडी थी उसको माइल्ड हल्का फुल्का गला ख़राब था उसके बाद उसके बाद उसकी डेथ हो गई जब आपने आपनेटॉपसी कराई थी उसके ऊपर उसकी एडिनल ग्लैंड की इलाजमेंट थी और साथ कॉर्टिकल हैमरेजेस है ये नज़रिया मैंने की वजह से होता है नज़रिया मैंने जोटाइटिस वाटर हाउस फ्राइटन सिंड्रोम कराता है जिसमें आपके जो जो एडिंगल ग्लैंड होता है उसके अंदर हमें हेमरेज मिलते हैं या कॉर्टिकल हेमरेज मिलते हैं 252 में दिया हुआ है कि एक 12 ईयर ओल्ड बच्चा था उसको ब्लडी डायरिया डेवलप हो गया क्लोनोस्कोपी के ऊपर हमें रेड डिसेंडिंग कॉलोन नजर आ रही है और सिगमाइड कॉलोन भी उसकी रेड हो गई है तो कंपाइलो जजनी हो गई कंपाइलो जजनी की वजह से भी ब्लडी डायरिया होता है जो कि आपकी डिसेंडिंग कॉलोन और सिगमाइड कॉलोन को इन्वॉल्व करता है वो रेड और इन्फ्लेम्ड हो जाती है टू में दिया हुआ एक बच्चा था बायो। एम सी क्यू टू फिफ्टी थ्री में दिया हुआ एक पेशेंट है उसकी बायोप्सी आपने की है मैकुलर एरिया की और हमें लैंगर हैंड सेल्स नजर आ रहे हैं साथ मल्टीपल नेक्रोटिक एरिया है तो जो कॉज होगी वो लेप्रोसी होगी लेप्रोसी में हमें लैंगर हैंड सेल्स मिलते हैं और साथ मल्टीपल नेक्रोटिक मल्टीपल नेक्रॉटिक एरिया मिलता है लेप्रोसी के अंदर फॉमिल हम पैथोलॉजी लैब में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि टिश्यू की ऑटोलाइसिस ना हो टिशू की ऑटोलाइस को प्रिवेंट करने के लिए हम फॉर्मिलीन को यूज़ करते हैं पैथोलॉजी लैब के अंदर टू में दिया हुआ एक पेशेंट था उसको गला खराब हुआ है उसका साथ थ्रॉट के ऊपर एक मेब्रेन डिवेलप हो गया जब आपने मेमब्रेन को रिमूव किया तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो ये डिफ्थेरिया डिफ्थेरिया की जैसे एक सडो मेम्रेन डिवेलप हो जाती है वाइटिश मेमब्रेन डिवेलप हो जाती है ओवर द थ्रॉट और जब उसको रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है और डिफेरिया आपके हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एफेक्ट करता है और इसका एक्जोट प्रोड्यूस करता है ये उसके बाद 256 में दिया यू, यू, हुआ है कि यूटीआई हुआ है कल्चर कराया तो हमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म मिल रहा है लेकिन उसकी स्वामिंग मोटिलिटी है जो स्वामिंग मोटिलिटी होती है ना वो प्रोटियस मेरबैलेंस की होती है और ये यूरियस पॉजिटिव होता है और लेक्टोज नॉन फर्मेंटर होता है आ, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिमैटिक फीवर कराता है ग्रुप ए स्टेप्टोकोका है या फिर स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स भी इसको हम कहते हैं जो कि रिमैटिक फीवर कराता है और इसके एस और टाइटस हम इनिशियली कराते हैं डेफिनेटिव क्या होता है कि आपने थ्रॉट कल्चर कराने और या फिर आप ब्लड कल्चर कराते हो टू फिफ्टी एट में दिया हुआ है कि सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेप्टिक शॉक करा रही है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक डिवेलप हो जाता है तो पैप्टाइडो ग्लाइकेंस होते हैं ठीक है ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल के अंदर जो है पेप्टाइडो ग्लाइकेंस होते हैं और एक्जोटॉक्सन होता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एंडोटॉक्सन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सन होगा अंदर वाला होगा जो पॉजिटिव होंगे जो ज़्यादा बड़े होंगे ठीक है पॉजिटिव के अंदर क्या होता है एक्जोटॉक्सन होता है और पैप्टाइडो ग्लाइकन्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शॉक कराते हैं एक्जोटॉक्सन से पैप्टाइडो ग्लाइकेंस होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो शॉक कराते हैं एंडोटॉक्सिन से और एंडोटॉक्सिन में लाइपोपोली होते हैं जो स्टेप्टोकोकस नमूनिया होता है ना इसकी इन्फेक्टिविटी होती है कागलेस पॉजिटिव होने की वजह से और uh, साथ कागलेस पॉजिटिव होने की वजह से भी और स्टेप्टोलाइजन की वजह से भी क्योंकि जो स्टेप्टोलाइजिन है ना वो इसका टॉक्सिन होता है स्टेप्टोकोकस नमूनिया का जो स्टेप्टोलाइजिन है वो टॉक्सिन है तो या तो अगर आपके पास स्टेप्टोलाइजिन की ऑप्शन नहीं है तो फिर आप कागलेज पॉजिटिविटी को सिलेक्ट करोगे अदरवाइज जो होता है ना स्टेप्टोलाइजन की वजह से स्टेप्टोकोकस नमूनिया की टॉक्सिसिटी होती है या इन्फेक्टिविटी होती है टू uh, सिक्सटी में दिया हुआ एक प्रोसीजर था विच मोस्ट ऑर्गेनिज़म्स जिससे ज्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म लेकिन स्पोर्स जो होते हैं ना वो नहीं होते हैं स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं ठीक है कौन से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम है जिसके स्पोर्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं तो जो क्लास्ट्रीडियम होता है ना क्लास्ट्रीडियम उसके स्पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा रजिस्टेंट होते हैं ठीक है मोस्ट रजिस्टेंट स्पोर्स जो होते हैं वो क्लास्ट्रेडियम के होते हैं टू के अंदर दिया हुआ था एक गर्ल है वो टैम्पोन को यूज़ कर रही है तो उस पर जो इन्फेक्शन होगी वो स्टाफ औरज की वजह से होगी स्टाफ और जो गर्ल्स टैंपोन यूज़ कर रही होती है उसके अंदर इफेक्शन कॉज करता है टू टू में दिया हुआ है कि एक बॉय था उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है इंटिबेशन आप नहीं कर सकते हो लिरिंगोट्रेको ब्रोकाइटस है तो लिनिंगो ट्रिंगो ब्रोकाइटस होता है वैसे तो पैरा इन्फ्लेंजा की वजह से होता है लेकिन अगर पैरा इन्फ्लुजा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो फिर हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद दिया हुआ है कि टॉक्सिक टौक, शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जीन जो होता है वो टेन टू फिफ्टीन परसेंट हम स्ट ऑरियस की वजह से होता है स्टैफ ऑरियस जो होता है टेन टू फिफ्टीन परसेंट तो कैरी करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जीन को और टू सिक्सटी फोर में दिया हुआ है कि एक पेशेंट है उसको खांसी हो रही है साथ उसका आ रहा है और ग्राम पॉजिटिव कैटेलेज नेगेटिव है ठीक है ग्राम

ठीक है टीबी बी के अंदर जो हमारा इस अल्फाज बेसरिस है जो टीबी होती है उसके माइकोबैक्टीरियम टूबोकलॉसिसिस जो बैक्टीरिया होता है जो कि ट्यूबोक्लॉसिसिस कराता है उसका फीचर है कि वो उसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है उसकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है टू में दिया हुआ एक बॉय है उसको मैंनेजॉइट्स डेवलप हो गया है और ऑर्गेनिजम और जो है डिप्लो कोकाय है और अल्फ़ा हमोलिसिस कराता है अल्फा हमोसिस जो कराता है मैं स्टेप्टोकोकस नमूना कराता है ठीक है स्टेप्टोकोकस नमूनिया भी आपका डिप्लो होता है और लेंसड शेप होता है ये और ये अल्फ़ा हमोलिसिस कराता है लेंसेड शेप्ड होता है डिप्लो कोकाय होता है ग्राम पॉजिटिव होता है और साथ ये ग्राम uh, पॉजिटिव होता है लेंसेड शेप होता है डिप्लो कोकाय होता है अल्फा हिमोलिसिस कराता है कैटेलेज नेगेटिव होता है ठीक है कैटेलेज नेगेटिव होता है ग्राम पॉजिटिव होता है लेंसेट शेप होता है डिप्लो कोकाय होता है और ये मैनेजाइटिस कराता है यंग पेशेंट्स के अंदर और अल्डर्ली के अंदर भी मैंनेजॉइटिस करा रहा था और सिक्स मंथ से लेकर टू ईयर्स तक के बच्चों के अंदर भी मैनेजाइटस लैपटोकोकस नमूनिया करा रहा था टू सिक्सटी एट में दिया हुआ है कि फेस मास्क की जो क्लीनिंग होती है उसके लिए हम क्या करते हैं ल्यूबाम वाटर को यूज़ करते हैं ठीक है फेस मास्क को क्लीन करने के लिए हम ल्यूकआम वाटर का यूज़ करते हैं गैमा रेडिएशन से जो स्टेरलाइजेशन करते हैं हम सरिंजिस की सरिजेस और नीडल्स की स्टेडलाइजेशन के लिए हम गैमा रेडिएशन को यूज़ करते हैं टू सेवेंटी वेट दिया हुआ है कि जो पायोजेनिक लिवर एप्स होती है वो ईकोलाई e की वजह से होती है ईकोलाये पायोजेनिक लिवर एप्सेस करता है ईकोलाय पायोजेनिक लिवर एप्सेस करता है ये बात याद रखनी है उसके बाद दिया हुआ है कि एक यंग बॉय था उसको माइल्ड uh, फीवर है हल्का फुल्का बुखार हुआ फिर एंजाइटस हुआ वाइट मेम्ब्रेन आ रही है उसके जब वाइट मेम्ब्रेन को हम रिमूव कर रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रही है तो इज और मिथाइलिन ब्लू स्टेन भी पॉजिटिव होता है कॉर्निबेटेम डिफ्थेरिया का ये बात याद रखनी है कि जो कॉर्बेक्टेम डिफ्थेरिया होता है इसके लॉफलर्स मीडियम होता है और इसमें मिथाइलिन ब्लू स्टेन आपका जो है ना वो पॉजिटिव होगा फिर एंजाइटस कराएगा और मेम्ब्रेन ब्लीड करती है जब उसे हम रिमूव करते हैं टू सेवेंटी टू में दिया हुआ जो बॉटलिम टॉक्सिन ए और बी होता है वो स्टाइल कॉलिन को रिलीज को इन्हेबिट करता है स्नैप ट्वेंटी फाइव के थ्रू स्नैप ट्वेंटी फाइव के थ्रू जो बॉटलिम टॉक्सिन होता है वो स्टाइल कोरोन रिलीज को इनहबिट करता है टू सेवेंटी थ्री में दिया जो शिस्टोसोमा होता है वो यूरिनी ब्लैडर की इन्फेक्शन कराता है ये कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर कराता है शिस्टोसोमा की जो कॉम्प्लिकेशन होती है स्प्लीनों होती है और जो इफेक्शन कॉज करता है ये यूरिनी ट्रैक की यूरिनी ब्लैडर की इफेक्शन कराता है कोल्ड एग्लूटिनेशन नमूनिया माइक्रोप्लाजा नमूनिया की वजह से होता है इसे एटिपिक नमोनिया भी कहते हैं इसमें कोल्ड एग्लूटिनेशन होती है हिमोलिटिक एनीमिया भी कराता है जो माइको नमूनिया होता है कोल्ड एगो एग्लूटिनेशन नमूनिया माइको नमूनिया कराते इसे एटिपिक नमूनिया या फिर वॉकिंग नमूनिया भी कहते हैं टू में दिया हुआ है कि एक पेशेंट है उसने उसको हाइग्रेड फीवर हो रहा है ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाए लेंसड शेप है और ग्राम स्टेनिंग के ऊपर हमें मिला है तो डट इज स्टेप्टोकोकस नमोनिया हमने पहले पढ़ा था कि जो ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाय लेंसेड शेप होता है डैट इज स्टेप्टोकोकस नमोनिया और साथ ही कैटेज नेगेटिव भी होता है स्टेप्टोकोकोस नमूनिया जो होता है ना वो वो नेगेटिव बी होता है स्टेप्टोकोकोस नमूनिया हमें डिप्लोकोकाय होता है और लेंथेड शेप का होता है टू सेवेंटी सेवन में दिया हुआ है कि हिस्ट्री थी डिस्चार्ज की साइनस ऑन द फुट से रेड ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं और फायलेमेंट्स हमें मिल रहे हैं वन टू तो थ्री माइक्रॉन्स के तो जो एक्टिनोमाइसिस पहली पैलिटीरी होते हैं ना एक्टिनोमाइसिस एक्टिनोमाइसिस जो होते हैं इसके रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं एक्टिनोमाइसिस की जो पैलेटीरी सब टाइप है वो उसके रेड ग्रेनूल्स होते हैं और हमें फायलेमेंट्स नजर आएंगे वन टू थ्री माइक्रॉन्स के टू सेवेंटी एट में दिया है कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्शुल ट्रांसमिटेड डिजीज कराता है दैट इज क्लाइमेडिया ट्रिकोमेटस अब डायबिटिक पेशेंट था एक ओ पी डी के निराया ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा तो green, है तो सूडोमनास का ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स से सुडोमनास जो होता है वो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंट होता है इसका फ्लोरिसन पिगमेंट होता है ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है इसका ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा और उसके बाद दिया गया सूडोमनास की वजह से जो फीवर होता है ना वो भी डिमोनाक्ट्रॉटिक फैक्टर की वजह से होता है और बाकी चीज़ों में जब फीवर होता है वो इंटरल्यूक वन की वजह से होता है इथेलिन ऑक्साइड गैस को टू टू फोर आवर्स लगते हैं स्टेरलाइज करने में जब आप इथलिन ऑक्साइड गैस से जब स्टेलाइज करते हो तो उसको टू टू फोर आवर्स लगते हैं ट्वेल्व ईयर ओल्ड चाइल्ड था उसको बुखार हुआ है और थ्रॉट में सॉर्ट थ्रॉट है साथ बॉडी एक है तो स्टेप्टोकोकस पायोजीस की वजह से होगा फ्रेंजाइटिस जो होता है ना ट्वेल्व ईयर ओल्ड के अंदर स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स या ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाई की वजह से जो है वो उसको फीवर शॉट थ्रॉट और बॉडी एक है गैस कैंग्रीन की वजह से डेथ क्यों होती है क्योंकि सेप्टिसीमिया डेवलप हो जाता है गैस कैंग्रीन वाले पेशेंट्स के अंदर सेप्टिसीमिया हो जाता है इस वजह से डेथ हो जाती है अब एक पेशेंट था वो आया है उसको हाईग्रेड फीवर है ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है लेंसडेप बैक्टीरिया है और ग्राम स्टेनिंग के ऊपर हम बैक्टीरिया जो ब्लड के अंदर नजर आ रहे हैं तो ये हो नमूनिया होगा स्टेप्टोकस नमूनिया का लेंसेड शेप होती है और ये ग्राम पॉजिटिव होता है टू एटी फोर में दिया हुआ जो बेस्ट डायग्नोसिस होती है जो लैब टेस्ट हम करते हैं स्टेप्टोकोकस बीटा हिमोलेटिकस के लिए जो ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाया होता है और स्टेप्टोकोकस बीटा हमोलेटिकस होता है उसके लिए हम क्या कराते हैं थ्रॉड कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड पर आप ब्लड कल्चर कराते हो अगर थ्रॉड कल्चर की ऑप्शन नहीं दी हुई तो फिर आप ब्लड कल्चर कराओगे लेकिन इनिशियल जो होता है वो ए सोटाइटर्स होते हैं जिससे हम कहते हैं एंटी स्टेप्टोलाइजिन टाइटर्स जो टॉक्सिक चॉक्सन टॉक्सिन होता है उसका जो 15 से 30 परसेंट जो होता है ना स्ट्रेन वो स्टैफ और एस कैरी करता है टू थर्टी टू एटी सिक्स में दिया हुआ है कि एक यंग बॉय था उसको फेशियल ए है डूलिंग ऑफ स्लाइवा भी हो रही है वो अपनी आइस को क्लोज भी नहीं कर पा रहा है और उसको नेजोफ्रेंजल साइनोसाइटस डेवलप हुआ हुआ है क्रॉनिक नेजोफ्रेंजल साइनोसाइटस है तो ये कॉनिबेक्टेम डिथेरिया की इफेक्शन है कॉर्नीबेटेम डिफ्थेरिया जो होता है मिथायलिन ब्लू पर पॉजिटिव आता है मिथाइलिन ब्लू स्टेन इसका पॉजिटिव होता है साथ ही फ्रेंजाइटिस कराता है और इसमें व्हाइट कलर की मैब्रेन बन जाती है जो रिमूवल पर ब्लीड करती है उसके बाद 287 में दिया हुआ है कि एक लेडी थी उसको माइल्ड हल्का फुल्का गला खराब था और बायोलेटल एडिनल ग्लैंड के इलाजमेंट ओ और साथ हमें क्रिटिकल हमरेजेज़ या कॉर्टिक्स में हमरेजेस मिल रहे हैं तो नज़रिया मैंने जो इन्वाल्व होगा क्योंकि जो नज़रिया होता है ना वो शॉट शॉट भी कराता है और बाद में आपके एडीनल हेमरेज कराता है इसे हम कहते हैं वाटर हाउस फाइड्रेशन सिंड्रोम सिफिलिस के अंदर जो वी टेस्ट होता है वो हम सिक्स टू ट्ल्ल्ल मंथ्स के बाद कराते हैं सिफिलिस का अगर आपने फॉलोअप कराना हो तो वी टेस्ट हम सिक्स से ट्वेल्व मंथ्स के बाद कराते हैं सिक्स एंड ट्वेल्ल मंथ्स पे कराते हैं वी टेस्ट टू एटी नाइन में दिया हुआ है कि एक पेशेंट था उसको बुखार हुआ है नेक रिजिडिटी है करनेक साइन उसका पॉजिटिव है सी एस एफ की फाइंडिंग्स के ऊपर हमें ग्लूकोज़ कम मिल रहा है प्रोटीन्स ज़्यादा हैं और ल्यूकोसाइड्स फोर फिफ्टी हुए हुए हैं मेनली लम्फोसाइड ज्यादा हैं अगर तो सिर्फ लम्फोसाइड ज्यादा हो साथ ग्लूकोज़ कम हुआ हुआ हो और प्रोटीन ज्यादा हो तो ट्यूबोकलस मेनजाइटस होता है टूबर्कल मैनेजाइटस के अंदर लम्फोसाइड काउंट ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज कम हो जाती है और प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाती हैं ग्लूकोज कम हो गया है ट्यूबलस के अंदर और प्रोटीन्स ज़्यादा हो गई हैं प्रोटीन ज़्यादा हो जाती हैं सी एस एफ के अंदर और ग्लूकोज कम हो जाते हैं लेकिन मेनली जो लम्फोसाइड ज़्यादा हो जाने की वजह से हमें पता चला कि टुबकुलस पैनजाइटस था एक्यूट पायोजेनिक मेनजाइटस नहीं था अब एक पेशेंट उसको है उसको हेड है हेड एक है नेक स्टिफनेस है फोटोफोबिया है लंबा पंचर कराया तो ग्लूकोज उसका फॉर्टी है न्यूट्रोफिल्स काउंट ज़्यादा है न्यूट्रोफिल काउंट जब ज़्यादा होगा तो पायोजेनिक मेनजाइटस या फिर बैक्टीरियल मैनिजाइटस होगा फीमेल है उसको यूनिट अक की इन्फेक्शन थी पचास आ रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कैटेइस पॉजिटिव है कॉगलेज नेगेटिव तो और स्टेफलोकोकस होगा जो ग्राम पॉजिटिव और कैटेज पॉजिटिव होता है और कॉगलेज नेगेटिव होता है दट इज टेफ्लोकोकस सेप्रोफाइटिकस टू नाइनटी टू के अंदर दिया है एक नाइटी ईयर ओल्ड स्टूडेंट था उसको गला खराब हुआ है उसके टॉन्ल्स एनलार्ज हुए हुए हैं लिम्फेडिनोपैथी है, है पिछले एक हफ्ते से उसको लिम्फेडिनोपैथी हुई है एन टॉन्सल्स भी इन लार्ज में गला खराब हुआ है तो स्टेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस होगा एलार्ज टॉन्सल्स और लिम्फेडिनोपैथी स्टेप स्टेप्टोकोकस की वजह से जो फेरेंजाइटिस होता है जो हमारा ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस या स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स होते हैं उसकी वजह से एलार्ज टॉन्सल्स लिम्फेडिनोपैथी और शॉर्ट शॉट हो जाता है या फिरटिस होता है टू नाइनटी थ्री में दिया हुआ जो मोस्ट कॉमन करैक्ट्रिस्टिक साइन है फूड पॉइजनिंग का जो क्लास्टोरियम बॉटलम की वजह से होती है क्लास्टोडियम बॉटलम जो होता है प्लेट्रेड पैरालिसिस कराते हैं हमारे रिस्पैरटरी मसल्स की टू नाइनी फोर के अंदर जब हॉर्स राइडर था वो गिर गया है और उसको अब स्क्रैचेज आए थे और उसके बाद अब उसको जो है वो टू डेज़ के बाद कुछ दिनों के बाद उसको लॉक जाए और स्पाज डेवलप हो गया है क्योंकि टेटनस टॉक्सिन जो होता है ना गाबा की रिलीज़ को इनहबिट करता है और जो एनिमल की फीस होती हैं जो एनिमल शट होती है उसके अंदर टेटनस होता है टॉक्सिन uh, होता है टू नाइनटी फाइव में दिया हुआ है कि एक मदर थी अपने दस साल के बच्चे को लेकर आई उसको मैनेंजाइटस डिवेलप हो गया है और uh, उसने पूछा कि उसके दो बच्चे थे फोर टू सिक्स ईयरस ऑफ एज के ऊपर उनको भी मैनेजाइटस का रिस्क है तो रूट ऑफ स्प्रेड क्या होता है मैनेजाइटस का रिस्पायरेटरी डॉपलेट से uh, जो है वो मेनेजाइटस स्प्रेड होता है मैनेजाइटस जो होते हैं है ना वो रिस्पायरेटी ड्रॉपलेट से एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता है गैमा रेडिएशन की स्टेलाइजेशन हम करते हैं स्ट्रेंज और नीडल्स को स्टेरलाइज करने के लिए हम गैमे रेडिएशन को यूज़ करते हैं टू में दिया है एक न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव से है, मतलब इसमें न्यूट्रोफिल्स काउंट भी कम है ब्लड प्रेशर भी लो हुआ है। हुआ है अंदर एडमिट था आ, हाई ग्रेड फीवर था सूडोमनाज एरिजिनोजा की इन्फेक्शन हुई हुई है तो एक्सेसिव रिलीज किस चीज का होगा अब किसी भी पेशेंट को जब बुखार होता है और साथ उसका ब्लड प्रेशर लो होता है और किसी ना किसी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी तो एंडोटॉक्सिन की वजह से फीवर होता है और हाइपोटेंशन डेवलप हो जाती है सूडोमनास जो होता है ना वो एक्जोटॉक्सन को भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सूडोमनास का फीवर जो होता है वो टी की वजह से होता है ओवरऑल जो फीवर होता है ना वो इंटोलोकिन वन की वजह से होता है और अगर तो सूडोमनास की इन्फेक्शन हुई गई है और साथ पेशेंट को फीवर हाइपोटेंशन है तो एक्जोटॉस एंडोटॉक्सिन इन्वॉल्व होता है टू नाइन्टी एट पर दिए अब क्रॉनिक डायरिया है जो कि रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को और क्रीसट शेप ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है तो जारडिया हो गया जारडिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है ग्लूटेन फ्री जब आप उनको डाइट देते हो उससे भी इंप्रूव नहीं करता है और हमें क्रीसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म मिलता है जो क्रिसेंट शेप ऑर्गेनिज्म होता है ना वो जारडिया होता है और ये क्रॉनिक डायरिया कराता है कि पेशेंट को बहुत अरसे तक डायरिया रहेगा टारगेट टिश्यू जो रिकेट से आके होता है वो स्किन होता है या फिर आप एंडोथेलियम होता है ठीक है एंडोथीलियल सेल्स को अफेक्ट करता है एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है या फिर आपकी स्किन को अफेक्ट करता है जो टा रिकिट्सी होता है और फ्यूमिगेशन जो होती है ना वो हम कार्डिक सर्जरी ओटी की करते हैं जहाँ पे इंक्रीज इंसिडेंस होता है कि पोस्ट ऑप इन्फेक्शन्स रिपोर्ट uh, हुई हैं ठीक है अगर जिस ओ के अंदर पोस्ट ऑपर इन्फेक्शन रिपोर्ट हो रही हैं फिर वहाँ पे हम फ्यम्योगेशन करते हैं कार्डिक सर्जिकल ओ की करेंगे 85 फाइव ओल्ड मैन के अंदर जो मैनजॉयटस होगा स्टेटोकोकस नमूनिया की वजह से होगा क्योंकि जो ओल्ड एज वाले एल्डरली पेशेंट्स के अंदर मैनजॉयटस टेप्टोकोकस नमूनिया कराता है एक फीमेल थी उसको यूनिटैक की इफेक्शन हुई है पस सेल्स हैं ग्राम पॉजिटिव है कैटेस पॉजिटिव है कॉगलिस नेगेटिव है दैट इज टेफ्लोकोकस एप्रोफाइटिकस टीबी की इन्फेक्शन हुई है जो मॉड ऑफ स्प्रेड होते हैं टीबी का वो एरोसोल एयर ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होती है एक फीमेल थी ग्राम नेगेटिव रॉड्स इन्फेक्टेड है उसको यू टी आई डायग्नोज हुआ ग्राम नेगेटिव रॉड है जिसकी स्वॉमिंग मोटिलिटी और यूरियस पॉजिटिव है दैट इज प्रोटीस मेरे कॉलरा जो होता है ना वो गंदा पानी और फूड खाने की वजह से डिवेल्प हो जाता है थर्टी फाइव ये ओल्ड बर्ड कीपर है उसको फ्लू की तरह की इलनेस डिवेलप हो गई है एक्सरे के ऊपर हम इन्फिल्ट्रेट्स नजर आ रहे हैं तो क्लाइमेडिया सिटाकोसिस जो सिटाकोसिस होता है वो बर्ड्स कीपर के अंदर नमूनिया कराता है डिफ्टेरिया डायग्नोस किया हेमाटोलॉज ने मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम एल्बर्ट स्टेन हम यूज़ करेंगे ठीक है डिफ्थेरिया के हम एल्बर्ट स्टेन यूज़ करते हैं या फिर लॉफलर्स मीडियम को यूज़ करते हैं एल्बर्ट स्टेन यूज़ करते हैं लॉफलर्स मीडियम को यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू पॉजिटिव होता है डिफ्थेरिया उसके बाद अगर थ्री जीरो एट में दिया हुआ है कि एक मदर है उसको मैंने जोइॉइटस टन ओल्ड को लेके आई उसका मैंने मैनेजॉयटस डेवलप हुआ था और वर, रूट ऑफ स्प्रेड क्या होता है मैंनेजॉयटस का रिस्पायरटरी डॉपलेट से ट्रांसमिट हो जाता है थ्री जीरो नाइन में दिया हुआ है कि अर्जेंट या इमीजिएट टेस्ट क्या होता है किसी भी बैक्टीरिया को टाइप करने के लिए दैट इज स्टेनिंग अगर आपने बहुत जल्दी टाइप करना हो कि, कि किस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुई है तो आप सिंपल स्टेनिंग कराओगे जिससे आपको इमीजिएट रि टेस्ट जिस हम बैक्टीरिया की टाइप जान सकते हैं दैट इज़ स्टेनिंग